क्या वक्फ की जमीन खतरे में है? ये वो विषय है जो इस वक्त देश में सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, या ये कह लीजिए पूरी देश की सियासत इसके इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। अखिलेश यादव को लगता है कि वक्फ संशोधन बिल से बीजेपी की जो नजर है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस संशोधन बिल के माध्यम से हिंदू मुसलमान देश में किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान मसूद हैं कांग्रेस के, उनको ऐसा लगता है कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के माध्यम से जो वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर होगा या जो उसके सदस्य होंगे उसमें यदि किसी दूसरे धर्म का सदस्य होता है तो वो उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं है। इकरा हसन है, वो भी संशोधन बिल से नाराज हैं। तो सवाल ये है कि आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार की नजर है, या वक्फ बोर्ड की जमीन या उसके अधिकार इससे छिन जाएंगे? इसी पर होगी आज रात महाबहस शाम 7:55 पर, जरूर जुड़िएगा। एक गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, उनसे करेंगे चर्चा और जानेंगे कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मिलते हैं शाम 7:55 पर महाबहस में। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमान।